जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं 2014 के सीटेट पेपर 1 के बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के विश्लेषण का। और यह वीडियो आपको सीटेट, एसटेट, ईएमआरएस, एसटेट मींस किसी भी राज्य का टेट, डीट प्लस बी और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो बगल में आता है उसको दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। आप एक लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और दोस्तों में शेयर करें। देखते हैं आगे। निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, जो सबसे अच्छा आंसर है उसे आप ओएमआर शीट में आपको गिरना है। तो सवाल है पहला, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। आप कितना भी परीक्षाओं का आयोजन कर लीजिए, आप यह जांच नहीं पाएंगे एक एग्जाम के द्वारा कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। मान लीजिए कोई लड़का कुछ नहीं जानता था लेकिन उसने कॉपी करके नंबर ले लिया, अच्छा लिखा, आपने उसे नंबर दे दिया, तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास हुआ? नहीं हुआ ना। दूसरा देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति, देखिए पारंपरिक पद्धति क्या मतलब है कि औरतें साड़ी पहनेंगी और पुरुष धोती पहनेंगे, पगड़ी पहनेंगे, क्या आज वो चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। आज जींस पहन रहा है, लड़कियां भी जींस पहन रही है, लड़के भी पहन रहे, तो ये पारंपरिक तरीका कहीं काम नहीं आएगा। वो पारंपरिक था तभी कि औरतें को घर का काम करना है, पुरुष पढ़ाई करेंगे, वो सब गया जमाना। अब तीसरा है एक समृद्ध, देखिए कितना अच्छा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। एक अच्छा सा वातावरण और उन्नत वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो बच्चे में विकास होगा, वो सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास क्या है? तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसे मापा गया है और मापा भी गया है और इसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। एक समय आने के बाद बच्चे में बड़ी तेजी से विकास होने लगता है, जब छोटे होते हैं तो उतना तेजी से विकास नहीं होता है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद, देखिए प्रकृति, तो प्रकृति में कौन आएगा? अनुवांशिक कारक भी आएंगे और वातावरण भी आएंगे, तो दोनों हो गया। तो यही पहला ऑप्शन जो है यही वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी? निष्क्रिय एजेंसी का मतलब है जहां पर समाजीकरण नहीं होता है। देखिए आप परिवार में समाजीकरण है, सबसे पहला तो वही है, क्लब में बच्चे खेलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसमें सामाजिक पुस्तकालय में होता, सब बच्चे साथ में बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्लब में क्या होता है? आप अपना इलाज कराइए और जाइए। तो यही वाला निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय का मतलब उस पर प्रभाव, समाजीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की यानी लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इसमें जैविक की जो होती है, सामाजिक का होता है, समाज में किस तरह प्रतिक्रिया करते बच्चे, वो संस्कृति किस पृष्ठभूमि से आते वो भी हुआ, भाषा का भी हुआ चर्चा, लेकिन जैविक के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उसकी उपेक्षा की है उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? ये देखिए, जो बच्चे, जो छात्र, जो दोस्त, आपने जीन पियाजे का मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अभी 2 दिन पहले मैंने जीन पियाजे का वीडियो डाला, अगर आपने वो देखा है तो उसमें मैंने चित्र के द्वारा समझाया है कि जो इंद्रियां होती है, नाक कान आँख जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती है और इंद्रियां ही तो है आँख कान हाथ, हाथ मतलब स्पर्श करना,
जब इसका इस्तेमाल होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो आप कृपया अगर आपने नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पिछले वीडियो को भी एक बार देख लें, ताकि आपका जीन पियाजे का ऐसा चैप्टर है कि हर एग्ज़ाम में 3 सवाल 100% आते हैं, तो इतने इम्पोर्टेंट सवालों को हम छोड़ नहीं सकते ना। तो कृपया मेरा आग्रह है कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अंत तक देखें, टपा टपा के नहीं देखें। नेक्स्ट है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, दोनों बच्चों में सहमति नहीं बन रही, रिया और ऋषभ में। किस बात को लेकर के? तो पिकनिक को लेकर के। रिया सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ आपस में जो विरोध हो रहा है, वो कह रहा है इसमें संशोधन कीजिए, इसमें कुछ सुधार कीजिए, तो पियाजे के अनुसार आखिर यह क्या हो रहा है? तो पियाजे के अनुसार आपको बताना है ये क्या हो रहा है। तो यह है सहयोग की नैतिकता, क्योंकि जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और नैतिक विकास के सिद्धांत में हमने बताया था कि बच्चे जो होते वो स्वार्थी होते हैं। एक स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष का, इसमें बच्चे जो होते हैं स्वार्थी होते हुए अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है नहीं मुझे गोवा जाना है, तो दूसरा बच्चा कहेगा नहीं गोवा नहीं, हमें तो हिल स्टेशन जाना है कि नहीं। तो ये जीन पियाजे के बारे में था, और जीन पियाजे ने इन्हें इस चीज़ को बताया था कि सहयोग की नैतिकता के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का एक त्रिस्तरीय सिद्धांत, देखिए एक सवाल यहाँ से आ जाते हैं, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, और इसमें एक बुद्धि का प्रकार है, ये जो चारों आप देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन बुद्धि, गणितीय बुद्धि, इसमें एक बुद्धि जो है बुद्धि का प्रकार है, वह है व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का दाग लगा लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, बिने बुद्धि परीक्षण इसे कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण एक चैप्टर है, मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, फिलहाल इस पर वक्त उतना नहीं है। नेक्स्ट है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता, देखिए यहाँ आपको कोई विकार नहीं कह रहा है, अगर ध्वनि संबंधी विकार होता तो डिसलेक्सिया हो जाता है, यहाँ वैसी बातें नहीं कह रहा है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता होनी चाहिए। तो ये किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि संरचना पर, अब देखिए नाम से ही क्वेश्चन मिल रहा है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना है कि नहीं, तो यही वाला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में जेंडर से तो हर वीडियो में आप देखेंगे, मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखें, 2021 से मैं उल्टा गया हूँ, 2021 का किया है मैंने, 20 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, फिर 19 का किया, 18 का दिया है, 17 का दिया है, फिर 16 का दिया, 17 का नहीं हुआ था एग्ज़ाम, 16 का दिया है, 15 का दिया है, और ये 14 का है, इसके बाद आपको मिलेंगे 13 का। तो आप जब से सीटेट शुरू हुआ तब तक का मैं वीडियो दूंगा, हर चैप्टर का दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीपी का, हर चैप्टर का दूंगा, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। कक्षा में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करते, कैसे नहीं करेगा भाई साहब, बिल्कुल करेगा। आप किसी को जेंडर पक्षपात करेंगे तो उसको दुख पहुँचेगा ही, तो वो उसमें होगा। अब मान लीजिए कि किसी को अरे लड़के तो होशियार होते, लड़कियां मूर्ख होती, तो उसको दुख नहीं होता कि प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। शिक्षार्थियों के हरासो उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। देखिए हरासो उन्मुक्त, हरास जोड़ उन्मुक्त, इसका मतलब होता है कि उसका जो विकास हो रहा था, उसकी जो बुद्धि काम कर रही थी, वो अब उल्टा सोचने लगेगा, उसका जो ग्राफ होगा ना वो नीचे की ओर गिरेगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए किसी भी शिक्षक को।
वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, किसी के शिक्षा पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख अथवा निष्पादन के कारण। उन्मुख, उन्मुख का मतलब ऊपर उठना, जब पक्षपात आप करेंगे तो ऊपर नहीं उठेगा, है ना। महिला शिक्षकों के अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी तो पक्षपात का कारण है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होगा कि उसका जो शिक्षा ग्रहण का जो ग्राफ है वो नीचे गिरने लगेगा। ऐसा अगर आप शिक्षक बनते हैं भविष्य में तो कदापि ऐसा ना करें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण, सीखने का शैली होता है, सीखने का एक ढंग होता है ना, तो उसका कौन सा उदाहरण है। तो सीखने का एक तरीका होता है चाक्षुक। चाक्षुक का मतलब होता है आँखों से देख करके। हम कई चीज़ें देख करके भी सीख जाते हैं। कोई मान लीजिए जनरेटर स्टार्ट कर रहा है, आप उसके सामने खड़े हैं तो आपको पता चल गया, अरे इसे हैंडल लगाना है और इसे अगर घुमा रहा है इसके बाद उसका जो क्लच है उसको डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देख करके सीखेंगे नहीं, तो ये एक चाक्षुक भी शैली है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। कितना बढ़िया वो काम कर रहा है बताइए, तो आप बताइए वह क्या कर रहा है। तो वह आकलन कर रहा है, वह सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है और सीखने के समय का आकलन कर रहा है। देखिए सब में आकलन है, आकलन तो होगा, तो का में कर रहा है कि के रूप में कि के लिए, तो यही आपको बताना है। तो ये सीखने के लिए कर रहा है, सीखने का आकलन नहीं होता, सीखने के लिए आकलन किया जाता है। आखिर आकलन हम क्यों करेंगे, सीखने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए ना। तो इसका सही उत्तर हो गया ये। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी कुछ शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे, अभी भी अच्छे शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। देखिए बोझ नहीं मान सकते हैं हम, अगर शिक्षक हैं तो हम अपने क्या बोझ, मेरा तो ये कर्तव्य है ना, हम इसे बोझ क्यों मानेंगे, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। देखिए एक एक विद्यार्थी को अलग अलग कार्य देना संभव नहीं लगता है, सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये संभव नहीं है। अगर एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हम एक एक करके भी देते चाहें तो 30 दिन तो मेरा उसी में पार हो गया, तो बाकी विद्यार्थियों का क्या, यदि हम एक को देख रहे तो 29 छूट रहा है, तो हमें ऐसा देना होगा जिसमें सबका भला हो। नेक्स्ट देते हैं, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने की रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो आप जो शिक्षक हैं विद्यालय आधारित आकलन में, वो स्वामित्व की भावना रखते हैं। देखिए यहाँ छात्र की बात नहीं कर रहा है, वो सोचते कि हम ही तो सब हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, तो ये स्वामित्व की भावना हुआ ना उनके अंदर होती है, इसीलिए तो वो कभी देखेंगे आप धमका देता है बुढ़पक कहीं का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, यानी वो अपने आप को समझता है हेड, जबकि शिक्षक जो है एक सहायक की भूमिका होता है। नेक्स्ट है, ग्रेड जो होता है, आजकल ग्रेड चल रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध है, यानी अगर हम आपसे पूछें कि ग्रेड जो है अंकों से किस तरह अलग है, तो आप क्या जवाब देंगे इसका, बताइए सोचिए। तो आप इसकी विश्लेषण करेंगे ना, आप हमको बताएंगे कि इस तरह से अलग है, इसमें बच्चों को आत्महत्या जो होता था उसमें फेल कर जाता था, उसमें इतना परसेंट, वो वाला सब सिस्टम को हटा दिया गया है, सिर्फ कर दिया है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये देखिए थोड़ा सा विश्लेषण किए ना आपने, आपने विश्लेषण दिया, विश्लेषण करने के लिए ये हो गया विश्लेषणात्मक, इस पर विश्लेषण हो सकता है। नेक्स्ट है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता तब उसको दिक्कत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में, तुलना शब्द हमने कहा था आपको, बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे जिसे आप डायरेक्टली काट सकते हैं, वो ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। भाषिक और संगीत, आप एक बात बताइए,
भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या जितनी छात्राएं हैं वही भाषा में अच्छी होंगी और संगीत में अच्छी होंगी? ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पर सबसे सही उत्तर है, वे अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, जितना लड़का अच्छा है उतना ही लड़की अच्छी है। तो ऐसे में क्या हुआ, जेंडर पक्षपात भी नहीं हुआ और आंसर भी हो गया हमारा, तुम्हारा सही आंसर हुआ ये। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, यानी उसको देखने में थोड़ा सा समस्या होता है या वो देख तो लेते हैं लेकिन थोड़ी देर में भूल जाते हैं, तो ऐसे विकार को क्या कहते हैं? अधिगम विकार पर हमने वीडियो दिया हुआ है, आप इसे देखें। मैंने अभी अब देखिए, डिसकैलकुलिया जो होता है गणित संबंधी विकार है, डिसग्राफिया देखिए, डिसग्राफिया में बच्चे क्या करते हैं अब ये देख लीजिए, अगर उसे आप कहेंगे क ऐसे लिखिए तो बच्चा क्या करेगा, ऐसा क लिख देगा, इसको कहते हैं डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया जो है, देखिए लेक्सिया को कैसे याद रखिए, लेक्चर से लेक्सिया है ना, तो लेक्चर तो वो पठन संबंधी कठिनाई हुआ ना, उसको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। और डिसप्रोक्सिया में बच्चे हकलाते हैं, क क क क करके इस तरह उच्चारण करते हैं, रॉ को रॉक उच्चारण करते हैं, है कि नहीं। ये पढ़ने में कठिनाई यदि हो रहा है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य हो सकते, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके आप इसका अर्थ सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे कहते हैं जल ही जीवन है तो जल के बारे में प्रचार हुआ, तो यहाँ पर सभी के लिए सभी के विद्यालयों में शिक्षा किसका प्रचार है, तो आप बताएं, ये जो है समावेशी शिक्षा का प्रचार है। समावेशी शिक्षा में सभी कोई पढ़ सकता है साथ में, और विद्यालय तो सभी के लिए है। नेक्स्ट है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये क्या हैं? और ये सब जो गुण हैं, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये किससे संबंधित है, आप बताएं, कोशिश करें। तो ये है प्रतिभा, ये प्रतिभा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो उसका प्रवाह जो होगा ज़्यादा होगा, वो व्याख्या अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो मौलिक बातों को जानेंगे, जो मेन पॉइंट वो जानेंगे, और वो अपने लचीलापन होगा, वो बदलाव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ उतना ही रट के चला गया, वो अपने से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह के अनुसार प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चों हैं उसमें सृजन, यहाँ सर्जन लिखा हुआ है, सर्जन नहीं होगा ये होगा सृजन, तो सृजन वाले चीज़ों पर उसको हम अधिक समय देने के लिए कहेंगे, जैसे कुछ अच्छा करके दिखाओ, अपने से इसको अपने तरीका से करके दिखाओ, तो ऐसे में क्या होगा, वो ज़्यादा अपना क्षमता का विकास कर पाएगा, या तुम इस जैसे कि कोई चीज़ रखा हो, कोई आंसर है, हम उसे कह सकते हैं कि तुम इसे अपने शब्दों में दो, यदि हमने उसे कोई कहानी पढ़ाया तो कहानी को हम कहेंगे अपने शब्दों में बताओ, या कोई कहानी बना के लाओ चार लाइन, तो ये सृजनता हुआ। नेक्स्ट है, गणित में अधिगम निर्योग्यता, देखिए यहाँ पर ये शब्द को भी ध्यान रखना है, गणित में सीखने में ठीक है निर्योग्यता, यानी उसको दिक्कत हो रहा है, परेशानी है गणित सीखने में, तो इसका आकलन कैसे किया जाता है, यानी कौन सी विधि आप लगाएंगे गणित में, तो आपको देखिए स्क्रीनिंग नहीं, उपलब्धि नहीं, अधिक्षमता अभिक्षमता नहीं, ये निदान करना होगा इसकी समस्या का, यदि गणित में किसी को समस्या है तो हमें उसे निदान करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। सिद्धांत चित्र के द्वारा, किसके द्वारा, नवीन अवधारणों की समझ बढ़ाते हैं, तो देखते हैं सिद्धांत चित्र, तो सिद्धांत चित्र जो विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, दूसरा है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अब इसे आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने कोई उसे चित्र दिखाया या कुछ मॉडल दिया चित्र का, तो ऐसे में वो क्या करेगा, तर्कपूर्ण ढंग से सोचेगा, मान लीजिए आप उसे एक दिए हैं, एक कबूतर है और दूसरा है बिल्ली, तो तर्क करेगा, कबूतर के पंख होते हैं बिल्ली के पंख नहीं होते, सूचना एकत्र कर रहा है, इसके दो पैर हैं इसके चार पैर हैं, इसके कान दिखाई दे रहे हैं इसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं,
इस तरह के वो क्या करे, तर्पूर्ण ढंग से सूचना को व्यवस्थित करेगा। तो चित्र को दिखाएं तभी तो किया ना। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था उसे भी आप देख सकते हैं, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं टीचर से, आपके लिए यही वीडियो नहीं है, आपके कई सारे वीडियो हैं अधिगम विकार से है, और भी कई सारे जीन प्याजे है, थॉर्नडाइक है, स्कीनर है, पावलोव है, तो एक एक करके सबको देखिए। सिर्फ क्वेश्चन बना लेने से आपको पैटर्न पता चल जाएगा, बहुत क्वेश्चन आप समझ जाएंगे और आपको नंबर भी आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये लेकर के नहीं चलना है कि 90, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, पॉइंट आपके अच्छे बनेंगे। तो इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, उसके अनुसार कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, क्यों नहीं है, आगे भी तो देखना जरूरी है। उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का तरीका। देखिए यहाँ पर एक बात आप देख लीजिए, इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था ना उसमें एक बात कही थी कि हम जैसा उसके सामने मॉडल प्रस्तुत करेंगे, और बंडूरा का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसके सिद्धांत को छवि के रूप में समाज में देख सकते हैं बच्चों में, कि बच्चे वही अनुकरण करते हैं जो बड़े करते हैं, जो समाज में वो देखते हैं। अगर हम दिन रात उनके सामने किताब पढ़ते हैं ना तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चे आप भी पढ़िए। अगर हम उसके सामने दिन रात मोबाइल लेकर के बैठते हैं तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, वो भी मोबाइल गलत पकड़ लेगा। इसे कहते हैं मॉडलिंग या प्रतिरूपण। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ से जो आप इसको देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये जो सवाल है भले ही CDP में पूछा गया है, लेकिन मैथ जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगा मैथ का CDP, उसमें आप पाएंगे दो विधि, एक है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि। आगमन विधि वह विधि है जब हम पहले बच्चे को चर्चा करके समझा देते हैं, फिर उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन निगमन विधि जो है वो पहले फॉर्मूले को लाता है, तब उसका आंसर लेके आता है। तो आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन निगमन विधि जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह मैथ तो है नहीं, आप समझिए बात को, मैथ तो है नहीं, ये तो CDP है। यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क कर रहा है, तो ये कौन सा विधि हुआ? ये हो गया आगमन विधि, और यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क कर रहा है तो ये निगमन विधि हुआ, ये मैथ रहता तो। लेकिन देखिए बात है कि निगमनात्मक मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं आप, तो नीचे की ओर तर्क कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर तर्क कर रहे हैं, तो आपका जो है सामान्य से विशिष्ट तो होगा। इसका सही उत्तर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। आप निगमन हो रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मूले से सीख रहे हैं, तो एक विशिष्ट रूप में चले गए कि फॉर्मूला हमने सीख लिया। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है जब बच्चे एक नियम को सीखते हैं, अवधारणा को सीखते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। आपको पता चल गया होगा अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक का। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने, जिसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल बताइए, याद करना, गति परिक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो सहानुभूति जो है एक संवेग है, ठीक है, तो सहानुभूति एक
संवेग विचार करना गति सब तो बुद्धि हो गया ना। सहानुभूति एक संवेग है आपके अंदर, जब कोई रो रहा होता था मुझे संतावना, अरे कोई बात नहीं क्या कीजिएगा, हो गया तो समय का खेल है कि नहीं, तो हम उसको सहानुभूति देते हैं, तो ये हमारे संवेग है। नेक्स्ट है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता, उसे उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, कौन कराता है? तो ये मान लीजिए, देखिए आपके अंदर अगर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, यदि आप मोटिवेट हैं, किसी से भी मोटिवेट हैं, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए लग जाते हैं, आपको उसे उस तरह आप व्यवहार करने लगते हैं, उस तरह प्रतिक्रिया करने लगते हैं और आपको एक दिशा पता चलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल अभिप्रेरणा के साथ किया जाता है? तो अभिप्रेरणा के साथ किया जाता है आवश्यकता। यदि आपको आवश्यकता है, यदि आप शिक्षक बनने की आवश्यकता है, आपके क्यों बनना है, आपके आपको एक भावी शिक्षक बनना हो, किसी को पुरस्कार लेना, किसी को घर चलाना है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसे किसी को बच्चे को पढ़ाने में अच्छा लगता है, आपकी वो आवश्यकता है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। जैसे कि आप में से कई शिक्षक होंगे जिसका हॉबी ही है टीचिंग, उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, वो दूसरा जॉब में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी आवश्यकता है ना कि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और उसके बदले में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप मोटिवेट हैं अंदर से, आप अपने हमारे वीडियो को देखेंगे अंत तक, क्यों देखेंगे, आपकी आवश्यकता है तभी तो अभिप्रेरणा और आवश्यकता दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? यानी इसमें से कौन सी अभिप्रेरणा है या कौन सी प्रेरणा ऐसी है जो अनुभूति के संतुष्टिकरण, तो इसमें देखिए अनुभूति ये भावात्मक है, आपकी भावना से जुड़ा हुआ है ना, सॉरी ये जो है आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। अगर आप भावुक रहें, आपको प्रेरणा मिला, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, देखे होंगे आपको एक समय उसका दुत्कार करता है, पूरा मेहनत करने के बाद वो अफसर बन करके आता है। अब कई प्रकार की इस तरह मान लीजिए किसी को, अरे तुम तो कभी ज़िंदगी में टीचर नहीं बन सकते हो, आप वीडियो को देखना शुरू किए, तरह तरह की वीडियो देखें, किताब पढ़ें, आपके अंदर प्रेरणाएँ आई, तो आप भावुक हो गए तभी तो और उसको संतुष्टि करने के लिए आप कई तरह के प्रयास करेंगे, कई लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कई अवस्थाओं से गुजरेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे और अंत में आप जीत जाएंगे। नेक्स्ट है और आखिरी है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है? यानी शिक्षण में, शिक्षा जो ग्रहण करता है बच्चे, उसमें सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो सकारात्मक अनुभूति, मान लीजिए फेल होने का भय, तो फेल होने का भय सकारात्मक कैसे होगा, ये तो नकारात्मक हो गया ना। प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता में भी तो डर रहता है कि कहीं फेल हो गए तो नहीं। तीसरा देखते हैं माता पिता की ओर से दबाव, ये भी तो नेगेटिव डालेगा। अर्थपूर्ण संबंध, अर्थपूर्ण संबंध का मतलब अगर हम मैट्रिक फर्स्ट करेंगे तो हम फलना फॉर्म भरेंगे, हम टीचर बन जाएंगे, हमको नौकरी लग जाएगी, तो है कि नहीं, तो यही इसका सही उत्तर है। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें।